सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी ये आखिर कहां घुसी जा रही है? जवाब है, एक अस्पताल में। इससे पहले कि आप सोचें कि ये किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग का कोई लीक्ड वीडियो है, तो हम आपको बता देते हैं, ये वीडियो है उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश का। दरअसल यहाँ पर एक नर्सिंग अफसर पर छेड़खानी का आरोप लगा, तो पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो पुलिस ने जो गाड़ी है अपनी वो अस्पताल की चौथी मंजिल पर चढ़ा दी। पुलिस ने अस्पताल में गाड़ी दौड़ाने के लिए बेड पर लेटे मरीजों को तो खिसकाया ही, साथ ही इमरजेंसी में इलाज करा रहे मरीजों को भी परेशानी में डाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक 19 मई की शाम को एम्स ऋषिकेश के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी। इसी दौरान सर्जरी विभाग में तैनात महिला डॉक्टर के साथ नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने छेड़छाड़ कर दी थी। इस मामले को लेकर विरोध करते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की और इसके बाद प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। एम्स के डॉक्टर्स ने डीन कार्यालय का घेराव भी किया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए अस्पताल पहुंची। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को अरेस्ट किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने इमरजेंसी वार्ड के भीतर लेटे मरीजों के बीच जीप घुसा दी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाकर मरीजों के स्ट्रेचर हटाते रहे। दावा किया जा रहा है कि वीडियो अस्पताल के चौथे फ्लोर का है। गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। मामले को लेकर एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने मीडिया को बताया कि प्रोटेस्ट करने वाले जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के बताए हुए रास्ते पर ही अस्पताल में गाड़ी लेकर घुसे। वहीं दूसरी तरफ एम्स प्रबंधन के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पुलिस की गाड़ी कहां से अस्पताल में एंटर हुई और निकली। उन्होंने कहा कि जानकारी जुटाने के बाद वो इस मामले पर कुछ कह पाएंगे। वहीं ऋषिकेश कोतवाली के SHO शंकर सिंह बिस्ट ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी घटना को लेकर एम्स प्रशासन से मुलाकात की थी और मामले में जांच करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 21 मई को कोतवाली ऋषिकेश में पीड़ित डॉक्टर ने लिखित कंप्लेन देकर कहा कि 19 मई को ट्रॉमा OT कॉम्प्लेक्स एम्स में नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार सिंह ने उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया और धमकी भी दी। उस कंप्लेन के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर एम्स प्रशासन ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आरोपी को सिर्फ सस्पेंड करना उसके आरोप के लिए काफ़ी नहीं है। एम्स ऋषिकेश में फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं ही काम कर रही हैं, बाकी डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।